तो आरओ एआरओ 2000 जो 24 का एग्ज़ाम है या फिर यूपीपीएससी 2024 का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विल बी डिस्कसिंग बेसिक जो बेसिक स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज, इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मिलिट्री एक्साइज डेज और थीम्स और अपॉइंटमेंट। तो कम से कम इसमें से आपके दो चार क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो जो कंट्रीज़ इस समय न्यूज़ में रही, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसीज, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल काबुल है और करेंसी उसकी अफगानी है। अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनो एरेस और करेंसी पीसो है। जो हेड ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको मार्क करा दूंगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबेरा है और इसकी करेंसी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो एंथनी एल्बनीज, ये इंपॉर्टेंट है तो इनका आप नाम याद रखेंगे, एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वियना है और इसमें करेंसी चलती है यूरो, पहले शिलिंग चलती थी अभी यूरो चलती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर्स है, एक तो IAEA दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, दूसरा ओपेक, ओपेक, ठीक है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर्स भी ऑस्ट्रिया में है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, जिसकी और करेंसी टका है। बांग्लादेश में भी रिसेंटली चुनाव भी हुए हैं। बेलारूस की कैपिटल मिंस्क है और इसमें जो रूबल चलता है बेलारूसियन रूबल, जो कि रशिया में भी चलता है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स है, यूरो इसमें अभी करेंसी है। भूटान की कैपिटल थिम्पू और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ नुल्त्रम। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया और रियल चलता है वहाँ पर करेंसी। बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया, उसमें लैब चलता है। कनाडा की कैपिटल ओटावा और कैनेडियन डॉलर चलता है। चिली की कैपिटल सेंटियागो, चिलियन पीसो चलता है वहाँ पर। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे रेनमिनबी या फिर चाइनीज युआन चलता है। क्रोएशिया की कैपिटल जैगरेब, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोएशिया ने अभी रिसेंटली यूरो जोन में शामिल होने का फैसला किया था। तो यूरो जोन वो कंट्रीज़ होती है जहाँ पे यूरो जो है एक तरह से करेंसी है, तो यहाँ पे यूरो इसमें अभी है, ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल कोपन हैगन है और इसमें डेनिस क्रोन चलता है। इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो है, US डॉलर चलता है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इथोपिया, जिसकी कैपिटल आदिस अबाबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथोपिया में जो है अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है और अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया था जब भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है 2023 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो करेंसी है वो बिर है। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, इजिप्शियन पाउंड चलता है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, ये बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि फिनलैंड जो है 31st मेंबर है, 31st मेंबर जिसने नाटो को ज्वाइन किया है, नाटो के ऊपर काफ़ी बवाल है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल भी यूरो, पहले मर्का थी। फ्रांस की कैपिटल पेरिस और इसमें यूरो चलता है। जर्मनी की बर्लिन, हंगरी की बूटापेस्ट, इंडिया की न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया की जकार्ता और न्यू कैपिटल जो है उन्होंने बोला प्रपोज्ड कैपिटल वो नूसंतारा होने वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें रुपया चलता है, राइट। ईरान की कैपिटल तेहरान है, रियाल चलता है। इराक की कैपिटल बगदाद है, यहाँ पे इराकी दिनार चलता है। इसराइल की कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम है और वहाँ पे शेकेल चलता है, राइट। तो शेकेल वहाँ पे चलता है। और यदि हम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू, राइट। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जोको विडोडो, जोको विडोडो, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार इमैनुअल मैक्रोन, ये जो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया है, इमैनुअल मैक्रोन को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो, येन वहाँ पर है और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किसीदा है। इटली की कैपिटल रोम है, वहाँ पे यूरो चलता है। और जॉर्जियो मेलोनी, ये इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है और तेंगे वहाँ पे चलता है, तेंगे। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग वॉन चलता है, साउथ कोरिया की सियोल वॉन चलता है वहाँ पे करेंसी। किर्गिस्तान की बिश्केक है और वहाँ पे सोम चलती है। लिथुआनिया की विल्नियस और यहाँ पे लितास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लिथुआना क्योंकि जो नाटो की ये भी इस बार समिट हुई वो यहीं पे हुई थी, लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपालीज रुपी चलता है वहाँ पे। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, जहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान रुपी चलता है। पोलैंड की कैपिटल वर्सोव और इसकी जो करेंसी है ज्लॉटी है। और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंटली सत्ता पलट भी हुई, तो प्रेसिडेंट इस समय आरिफ अलवी है और प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ककार है। हाँ, अनवर उल हक ककार, वो केयर टेकर है एक तरह से, राइट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है, यूरो वहाँ पे करेंसी है।
कतर की कैपिटल दोहा है, कतरी रियाल वहाँ पे चलता है, रशिया कैपिटल मॉस्को है, रूबल चलता है, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है, वहाँ पे भी रियाल चलता है, श्रीलंका कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, श्रीलंकन रुपी चलता है, और यहाँ पे भी रिसेंटली जब चुनाव हुए थे काफ़ी तख्ता पलट हुआ था, तो प्रेसिडेंट अभी रानिल विक्रम सिंह है, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन है, वहाँ पे थोड़ी सी स्टैटिक गवर्नमेंट हो चुकी है अभी। ताइवान की कैपिटल ताइपे है, ताइवान डॉलर चलता है, तंजानिया की कैपिटल दोदोमा है, हाँ डोडोमा, बेसिकली यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपना पहला फॉरेन कैंपस खोला, इसलिए इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास, राइट। तो तंजानियन शिलिंग चलता है वहाँ पे, यूक्रेन कैपिटल कीव है, यहाँ पे दैट इज़ रिवीनिया चलता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात जिस कैपिटल आबू धाबी, और यूएई धीरम चलता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनकी हेडक्वार्टर्स आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफएओ बोलते हैं शॉर्ट में, 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसमें जो हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में है। उसके बाद आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है, 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। वर्ल्ड बैंक का भी, दोनों का एस्टेब्लिशमेंट एक ही उसमें होता है, इनको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर तो सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूयॉर्क में है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसके बाद यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केनिया में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके है ये। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है, दैट इज़ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसका भी हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएससीआर, इसका हेडक्वार्टर्स भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है वियना में, इसका जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उस वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स है। और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर्स है। बेसिकली जगह का नाम इन्होंने दे रखा है मंडाला योंग, हाँ मंडाला यू योंग। आशियान का हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स ब्रसेल बेल्जियम में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ एट, बेसिकली ये G7 और फिर अभी तो G7 ही है, ठीक है, क्योंकि G8 तब था जब इसमें रशिया शामिल था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर्स हेग नैदरलैंड्स में है। एक और इम्पॉर्टेंट है, नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन, हाँ ये गलत दे दिया, दिस इज़ रियली रॉन्ग एक्चुअली, वाशिंगटन डीसी में नहीं है, नेटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स में, इट इज़ इन ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, तो प्लीज़ इसमें करेक्शन कर लेना। और उसके बाद ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। सार्क का हेडक्वार्टर्स नेपाल काठमांडू में है। ब्रिक्स 2006 में, ब्रिक्स का ऐसा कोई ऐसा हेडक्वार्टर्स है नहीं, तो ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट 2006 में होता है। और ब्रिक्स के रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज़ है कि इसमें अभी 6 नई कंट्री है, ICU, अर्जेंटीना, ये एक निमोनिक है आप इसको याद रखेंगे, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, तो 6 कंट्रीज़ और इसमें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जिनका जिक्र जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। तो इलेक्शन कमीशन अभी इसमें प्रेजेंट में राजीव कुमार जी इसके चेयरपर्सन या फिर वीकेंड से प्रेजिडेंट है, मतलब सबसे हेड ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है राजीव कुमार जी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, हाँ बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। और आर्टिकल 24 से 29, ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल है, 24 से 29 में इनका जिक्र है इलेक्शन कमीशन का, और पार्ट 15 है। UPSC 1926 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, मनोज सोनी अभी इसके चेयरपर्सन है, और आर्टिकल 315 से 23 चलता है, पार्ट 14 में है ये। फिनेंस कमीशन, अभी लेटेस्ट नए वाले फिनेंस कमीशन बने हैं,
तो अभी सोलवे फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित हुए हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सोलवे फाइनेंस कमीशन का क्या नाम है यदि आप ये फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो इसका आर्टिकल 280 है और पार्ट नंबर 12 है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ST आर्टिकल 338 ए पार्ट 16, और NCBC दैट इज़ बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 338 बी पार्ट 16। उसके बाद कैग जो कि अभी गिरीश चंद मुर्मू जी हैं, आर्टिकल 148 से 51 है पार्ट नंबर 5 में। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। यदि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन बैरी जी हैं, सी ओ BVR सुब्रमण्यम। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1903 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है, और अभी अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। विजिलेंस कमीशन में पी के श्रीवास्तवा भी चेयरपर्सन है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा। और कुछ इम्पॉर्टेंट, हाँ, वीमेन का इम्पॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन रेखा शर्मा, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखना। और यदि हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में, प्रियंक कानून को। तो ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कुछ मिलिट्री एक्साइज जो कि अक्सर एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया, और एक्साइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंड और ऑजिंडिक्स और पिच ब्लैक। तो ये तीनों एक्साइज जिसमें ऑस्ट्रिया एक तरह से शामिल होता भारत के साथ में, तो से ये सब भारत के साथ में है, तो भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा, ऑस्ट्रा हिंद, ऑजी इंडेक्स और पिच ब्लैक। बांग्लादेश के साथ में संप्रीति होती है, जो इम्पोर्टेंट है, और एक और होती है बोंगो सागर, ये तो बांग्लादेश के साथ में होता है। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ में इब समर होता है, चाइना के साथ में हैंड इन हैंड होता है, इजिप्ट के साथ में साइक्लोन होता है, भारत और इजिप्ट, फ्रांस के साथ में शक्ति, वरुण और गरुण। ठीक है, तो शक्ति, वरुण और गरुण, एक्साइज वरुण, एक्साइज गरुण और एक्साइज शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में गरुण शक्ति होता है, ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो इंडोनेशिया में गरुण शक्ति एक साथ है और समुद्र शक्ति, तो दोनों शक्ति जो है एक साथ इसमें इंडोनेशिया में। इसराइल के साथ में ब्लू फ्लैग होता है, जापान के साथ में धर्म गार्जियन होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिमैक्स होती है। उज्बेकिस्तान के साथ में डस्लिक होती है, USA के साथ में युद्ध अभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया होता है, और एक और है दैट इज़ मालाबार। तो मालाबार में जापान भी आता है, USA भी आता है, और ऑस्ट्रिया भी आता है, क्योंकि जो क्वाड नेशन है, क्वाड नेशन में इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके बीच में एक्साइज होती है ये, तो इनके बीच में एक एक्साइज होती है जिसका नाम है मालाबार। तो क्वाड नेशन के बीच में मालाबार होती है, इंपॉर्टेंट है ये। और यदि हम बात करते हैं यूके के बीच में, यूके और इंडिया के बीच में अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, यूएई के बीच में, भारत के बीच में डेजर्ट ईगल, श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। हाँ देखो, अब जैसे गरुण शक्ति, यदि मैं आपसे पूछता हूँ गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति है वो इंडोनेशिया है, हाँ इंडोनेशिया। और मित्र शक्ति में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्लीनेक्स भी भारत श्रीलंका के बीच में होती है, थाईलैंड के बीच में मैत्री होती है, संप्रीति बांग्लादेश है, मैत्री थाईलैंड है, और इंडो थाई कॉरपोर्ट। मंगोलिया के साथ में नोमैडिक एलिफेंट, नेपाल के साथ में सूर्य करण, सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स, किर्गिज स्तान के साथ में खंजर, और डस्लिक होती है उज्बेकिस्तान के साथ में, मालदीव के साथ में एक्वेरिन, म्यांमार के साथ में इम्बेक्स और इमकोर, ओमान के साथ में अल नगा और ईस्टर्न रेज और नसीम अल बहार, रशिया के साथ में इंद्रा और वियतनाम के साथ में विनबेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्साइज जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जिनको चुना गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र चावला जिनको CEO ऑफ पेटीएम बैंक चुना गया है, अनुराग कुमार जिनको CMD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुना गया है, विकास पुरोहित जिनको न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इंडिया चुना गया है, शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार CEO ऑफ कॉग्निजेंट, पंकज कुमार सिंह डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, विक्रम देवदत्त DGCA के डायरेक्टर चुना गया है इनको, संबल भाई बी पटेल चेयरमैन ऑफ अमूल, डॉक्टर राजीव रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद अमनप्रीत सिंह वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, देवेन भारती स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई,
ए सी चरनिया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, इंगेर एंडरसन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अरुण कोहली, मॉर्गन स्टेनली न्यू हेड कंट्री मतलब न्यू हेड बने हैं भारत के, नील मोहन इंडियन अमेरिकन सी ऑफ यूट्यूब, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आयुष कुमार खुराना यूनिसेफ के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, रुचिरा काम्बोज 62nd प्रेजिडेंट ऑफ द यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन, बी वी आर सुब्रमण्यम जैसे मैंने बताया था नीति आयोग के सी ओ है ये, जो अकाबा नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट हैं, राजीव रघुवंशी न्यू कंट्रोलर न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद शैलेश पाठक फिक्की के सेक्रेटरी जनरल, एस एस दुबे कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, तेजल मेहता फर्स्ट इंडो अमेरिकन वुमेन जस्ट टू बिकम द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तेजल मेहता का नाम, प्लीज़ आप इसको याद रखना, अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट द न्यूयॉर्क कोर्ट, ये भी बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, शैलजा धामी फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन IAF कॉम्बैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ बने हैं दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और हम बात करते हैं अजय सिंह जो कि एसोकैम के प्रेसिडेंट है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ अजय बांगा 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं ये, अजीत कुमार मोहंती न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और मोहम्मद शाबुद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ पे भी चुनाव हुए तो प्राइम मिनिस्टर बनी है वहाँ पे शेख हसीना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शेख हसीना वहाँ पे पीएम है, ठीक है शेख हसीना जी वहाँ पे पीएम है अभी, सीबीआई डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद जी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा जी, और यूएनजीए के प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस, ये इंपॉर्टेंट है, यूएनजीए जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन, चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में हसमुख अधिया, और उसके बाद हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में ज़रूर से पूछा जाएगा, जया वर्मा सिन्हा जो कि पहली चेयरपर्सन ऑफ वुमेन बनी है रेलवे बोर्ड की दैट इज़ जया वर्मा सिन्हा, ये ज़रूर से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और चेयरमैन ऑफ नैसकॉम राजेश नाम्बियार, एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट काफ़ी न्यूज़ में है, ED इसके चेयरमैन है दैट इज़ इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है राहुल नवीन जी, ये डायरेक्टर बने हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आप रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 3-4 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप आप उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए द सेलेक्शन क्लासेस के नाम से, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय टेक केयर।